गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस में यूज ऑफ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। समाचार पत्रों का क्या हमारे लिए प्रयोग है, कैसे हम उनको यूज करते हैं और हमारे सोशल साइंस में उनका क्या महत्व है और क्या जरूरत है हमें सोशल साइंस के लिए न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सोशल साइंस में हमें जो है न्यूज़पेपर कैसे हमारे लिए लाभदायक जानकारी हमें जो है पहुँचाते हैं और इनके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं समाचार पत्र की क्या है। समाचार पत्र एक समाचार का संग्रह होता है जो कि मुद्रित प्रिंटेड होता है, लिखावट होती है उसमें और वो बड़े बड़े कागज पर बना होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाचार पत्र एक ऐसा सस्ता माध्यम है जो लोगों को घर घर आसानी से उनके आसपास की खबरें, देश विदेश की जानकारी और अन्य क्षेत्रों से संबंधित विशेष ज्ञान की सामग्री है जो उनको घर बैठे मिल पाती है, घर घर तक उनको पहुंचाता है। समाचार पत्र एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम घर बैठे ही जो है खाली समय में या कभी भी है जो देश विदेश की या कहीं की भी किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई जो विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि आज का जो युग है विज्ञान का युग है और विज्ञान ने हमें बहुत सी जो है चीजें दी हैं जिनका लाभ हम उठा रहे हैं। समाचार पत्र भी उनमें एक महत्वपूर्ण साधन है। समाचार पत्र का महत्व तो आज के वर्तमान समय में और अधिक बढ़ गया है क्योंकि आज का जो समय है वो ज्ञान बांटने का समय है और ज्ञान एकत्र करने का समय है और समाचार पत्र जो है ज्ञान बांटने का बहुत अच्छा काम करता है। और समाचार पत्रों के माध्यम से हमें बड़ी आसानी से घर बैठे ही है जो कोई भी नॉलेज किसी प्रकार की, चाहे वो अपने देश की है या विदेश की है, अपने समाज की है, व्यक्ति से संबंधित है या किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित है, हमें आसानी से मिल पाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि समाचार पत्र एक ऐसा साधन है जो हमें घर बैठे ही आसपास की हमारे समाज की घटनाओं, हमारे देश की घटनाओं और देश विदेश की घटनाओं से संबंधित विशेष सामग्री को हमारे तक पहुंचाता है। हमारे सोशल साइंस में जो है न्यूज़पेपर का क्या योगदान है, ये कैसे हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसके प्रयोग करने से हमें सोशल साइंस में क्या जो है लाभ मिलता है। सबसे पहला है हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। समाचार पत्रों को पढ़ने से हमें जो है सामाजिक विकास मिलता है, हमारा सामाजिक विकास होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि समाचार पत्रों में हमारे समाज से संबंधित प्रत्येक घटना का अच्छे तरीके से उल्लेख किया होता है कि हमारे समाज में कोई घटना क्यों घटी और कैसे घटी और क्या इसके पीछे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ये घटना घट सकी, क्या हम इस घटना को रोक सकते थे और भविष्य में भी ऐसी घटनाओं को होने से क्या रोका जा सकता है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम आज के समय में प्रयोग करके भविष्य के हुआ जो और अधिक अच्छा बना सकते हैं या अपने वर्तमान को और अधिक विकसित कर सकते हैं। इन सब चीजों की जानकारी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती है। समाचार पत्रों के माध्यम से हम दूसरे लोगों को बता सकते हैं, अपनी सरकार को बता सकते हैं कि हमारी जनता को किन किन चीजों की जरूरत है और हमारी सरकार को भी किन किन कानूनों की बनाने की जरूरत है जिससे हमारा सामाजिक विकास हो सके। नेक्स्ट है हमारा एनालाइज एंड स्टडी ऑफ करंट इवेंट। जो हमारे वर्तमान की घटनाएं हैं उनका विश्लेषण और उनका अध्ययन है जो हमारे समाचार पत्रों द्वारा किया जाता है। समय समय पर हमारे आसपास, हमारे व्यक्तिगत जीवन में या हमारे देश में या हमारे अंतर्राष्ट्रीय समाज में जो है कोई ना कोई घटनाक्रम चलता रहता है और जिसकी सही जानकारी हमें जो है समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती है। समाचार पत्र उसकी जो है जानकारी लेकर यह समझाने की कोशिश करते हैं कि यह घटना आखिर क्यों घटी, ऐसे कौन कौन सी वजह थी जिसके कारण जो है किसी भी घटना का घटने के लिए है जो क्रम आरंभ हुआ, किसी भी घटना को घटने से है जो समाज को क्या हानि हुई, ऐसी कौन कौन सी जो है वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं और उनका विश्लेषण करने की क्या जरूरत है, हमें उनसे हमें क्या सीखने की जरूरत है कि भविष्य में उन घटनाओं को रोका जा सके। जैसे पर्यावरण संबंधी घटनाएं हैं, आतंकवाद संबंधी घटनाएं हैं, समाज से संबंधित कोई भी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही है, इस तरह से हम जो है अपने समाज की करंट इवेंट्स है जो हमारे समाज की वर्तमान की जो घटनाएं हैं उनका हम विश्लेषण और अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल फॉर स्कूल्स। हमारे विद्यालय के लिए समाचार पत्र बहुत उपयोगी है। समाचार पत्र है जो सुबह सुबह ही हमारे घर तक पहुंच जाता है और सुबह सुबह ही जो है कोई भी छात्र या कोई भी जो है अध्यापक या कोई भी अन्य व्यक्ति उसे पढ़कर अपने देश समाज की जानकारी ले सकता है या उसे जिस भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी की जरूरत है वो उसमें से पढ़ सकता है। इस तरह से कह सकते हैं कि अध्यापक के लिए भी जो है एक उसे विशेष प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है और उसे पढ़कर वह कक्षा में जाकर अपने छात्र को बता सकते हैं कि आज जो है समाचार पत्र मैंने
यह जानकारी भी, और आपको भी यह जानकारी जानने की जरूरत है। इस तरह वह अपने छात्रों को वह जानकारी समझा सकता है। छात्र भी जो है अखबारों से, समाचार पत्रों से जानकारी हासिल कर सकते हैं, नए ज्ञान को ढूंढ सकते हैं, नए नए भविष्य के लिए जो संसाधन उसमें जो है देख सकते हैं कि क्या क्या उनके लिए जो है भविष्य में ऐसे काम हैं जिनको वह रोजगार के रूप में अपना सकते हैं। ऐसे कौन कौन से जो है वर्तमान में कार्य किए जा सकते हैं जिनका हमारे अच्छे भविष्य के लिए जो लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा यूजफुल फॉर कम्युनिटी, हमारे समुदाय के लिए भी जो समाचार पत्र बहुत उपयोगी है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश विविधता में अनेकता वाला देश है। हमारे समाज में, हमारे समाज या जो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे जो है समुदाय रहते हैं। हमारा जो समाज है वो बहुत सारे समुदायों का मिश्रण है, अलग अलग तरह के समुदाय रहते हैं। तो समाचार पत्रों का मुख्य कार्य क्या है कि समुदायों को आपस में एक दूसरे से जोड़ना, एक समुदाय को एक दूसरे समुदाय के निकट लेके आना। अगर एक समुदाय को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो रही है या उसकी कुछ जरूरतें हैं, तो उन जरूरतों को जो है समाचार पत्र सरकार के सामने रखता है और सरकार उस समुदाय की जरूरतों को पूरा करकर उस समुदाय को दूसरे समुदाय के बराबर ला सके। इस तरह से एक समुदाय दूसरे समुदाय को अपने आप को हीन नहीं समझेगा, कमजोर नहीं समझेगा और उसकी जो तात्कालिक जरूरत है वो पूरी हो पाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे समुदाय के लिए, हमारा जो समाज है उसमें जितने भी समुदाय रह रहे हैं उनके लिए, विकास के लिए हमारा समाचार पत्र बहुत लाभदायक है। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल फॉर नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। समाचार पत्र लोगों को जागरूक बनाते हैं, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताते हैं कि हमें कौन कौन से अधिकार सरकार संविधान द्वारा मिले हुए हैं और कौन कौन से हमारे कर्तव्य हैं जिनको हमें अपने जीवन में अपनाकर दूसरों को भी उनके अधिकार दिला सकते हैं। और इसी तरह से अखबार है जो समाचार पत्र है वो सरकार को भी यह याद दिलाता है कि कौन कौन से अधिकार कर्तव्य हैं उनके हैं जो सरकार को जनता के लिए निभाने हैं। ऐसे कौन कौन से विकासवादी कार्य हैं जो उनको जनता के लिए करने हैं, किस कार्य से जनता की भलाई होगी और किस कार्य से जो जनता का नुकसान होगा, उनके प्रत्येक ऐसे जो है गलत कार्य की सरकार की किसी भी गलत कार्य की आलोचना करता है अखबार और उनको बताता है कि अगर वो इसी तरह से जो है जनता का नुकसान करते रहे तो भविष्य में वह सरकार में नहीं आ पाएंगे, उनको नुकसान होगा। इसीलिए सरकार घबरा जाती है और समय समय पर वह विकासवादी कार्य जनता के लिए करती रहती है। तो इस तरह से भारत में है जो राष्ट्रीय एकता बनी रहती है, राष्ट्रीय एकता को जो है अखबार बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाता है, एक दूसरे के समीप लेके आता है, एक दूसरे समुदाय को दूसरे समुदाय के समीप लेके आता है, जाति रंग भेद धर्मों की जो विभिन्नता है उसको दूर करता है, एक दूसरे की संस्कृतियों के बारे में हमें बताता है और अगर समाज के किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति समाज धर्म जाति या व्यक्ति को जो है किसी भी तरह के समाज में कुछ ऐसी जरूरतें हैं जो उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है तो उनकी जरूरतों को सरकार तक पहुंचा सकता है, जिससे उनकी जरूरतें पूरी होने पर वे भी समाज करने जो है समुदाय हैं या मान लो अन्य जो भी उनका लेवल है उसके बराबर आ जाएंगे और वह अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे। इससे जो हमारे देश में राष्ट्रीय एकता आएगी और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा हमारे समाचार पत्र देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ कम्युनिटी, संचार का स्रोत है। हमारे समाज में एक घटना घट रही है तो दूसरे समाज में भी कोई ना कोई घटना उसी समय अवश्य घट रही होती है। इस तरह से प्रत्येक समाज में कोई ना कोई घटना कभी ना कभी अवश्य घट रही होती है। इन सब घटनाओं की जानकारी हमें समाचार पत्र द्वारा मिलती है, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने देश के विभिन्न राज्यों के बारे में और विदेशों के समाज के बारे में क्या क्या घटनाएं हो रही है, क्या क्या जानकारी, नई जानकारी है जो हमें चाहिए, वो सब जानकारी हमें अखबारों द्वारा मिलती है। अखबारों में अलग अलग तरह के है जो विशेष विभाग बनाए गए होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है, जैसे देश विदेश, उसके बाद जो है खेलकूद संबंधी, मनोरंजन संबंधी और कला से संबंधित, इस तरह अलग अलग पार्ट होते हैं जिनमें हमें अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है और अपने देश समाज के साथ साथ हमें विदेशों के समाज के बारे में भी, उनके ज्ञान विज्ञान के बारे में भी विशेष जानकारी मिलती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे समाचार पत्र हैं वो कम्युनिकेशन के सोर्स हैं, संचार के स्रोत हैं। नेक्स्ट और लास्ट है ई ग्लोबल नॉलेज, समाचार पत्र हमारे सामने जो है ग्लोबल नॉलेज को हमारे सामने लेकर आते हैं। वैश्विक जो जानकारी है, विश्व में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, विश्व में कौन सा देश वैज्ञानिक तरक्की कर रहा है,
विश्व में कौन सा देश तकनीकी तरक्की कर रहा है, या विश्व में कौन सा देश जो है सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक तरक्की की ओर अग्रसर हो रहा है, और उन देशों से हमें कौन कौन सी चीजें सीखने की जरूरत है, या हमारे देश में ऐसी कौन कौन सी तरक्की हो रही है जिसकी वजह से हमारा देश है जो विकास की ऊंचाई को छू रहा है। तो इस तरह के समाचार पत्र हमें हैं जो ग्लोबल जानकारी देते हैं, सिर्फ हमारे देश और समाज की जानकारी ही नहीं बल्कि हमें दूर देशों की भी जानकारी हमें मिलती है, वहाँ की राजनीति में क्या क्या इस समय हो रहा है, वहाँ के समाज में क्या हो रहा है, वहाँ की राजनीति जो विज्ञान क्षेत्र है उसमें कौन कौन से हैं जो नए आविष्कार हो रहे हैं, तकनीकी में कौन कौन सी नई तकनीक यूज की जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में नए कदम क्या उठाए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें समाचार पत्र द्वारा मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाचार पत्र हमें देश समाज के साथ साथ विश्व स्तर की जानकारी भी हमें देते हैं। तो आज हमने यूज ऑफ न्यूज़पेपर में मीनिंग एंड यूज ऑफ न्यूज़पेपर इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस पढ़ा, कल हम कुछ और पढ़ेंगे, आज के लिए इस लाइन में।